अगली वीडियो जब मैंने द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के ऊपर बनाया, तब आपने कमेंट किया द ट्रू ब्यूटी का बताइए सेंट्रल आइडिया एकदम शॉर्ट में जैसे यहाँ पे बताया है। तो मैं फिर आपके लिए उसी तरह का एकदम शॉर्ट में फिर लेकर आ चुका हूँ। ये शॉर्ट है लेकिन ये मत समझना इसमें वर्ड कम है, इसमें सारे वर्ड ये द ट्रू ब्यूटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं, जिससे एग्जामिनर को क्या हो एकदम क्लियर, उसको दिखे विजन दिखे कि हाँ इन्होंने एकदम शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा जब नंबर ना मिले, 7 नंबर मिलेगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना लिख देंगे एकदम लाइन बाय लाइन तो 7 मार्क्स आपके गारंटेड हो जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है ऐसे हेडिंग बना लेनी है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस आपको बताऊँगा कि द ट्रू ब्यूटी में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हेडिंग बनाने के बाद में लिखना है द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस केरू, इतना लिख देना है, उसके बाद में लाइन छोड़ देना, उसके बाद में लिखना है यहाँ से इन दिस पोएम द पोइट टेल अस द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। और देखिए पहले एक बार इंग्लिश में पूरा बताया दे रहा हूँ, उसके बाद में इसका अर्थ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा। फिजिकल ब्यूटी में डेस लगा देना है, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं फिजिकल ब्यूटी लाइक्स, मतलब फिजिकल ब्यूटी किसके समान होता है, क्या क्या होता है फिजिकल ब्यूटी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फिजिकल ब्यूटी के बाद डेस लगा देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिजिकल ब्यूटी तो क्या क्या है इसमें, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक्स आइज, और इसके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हो ग्लोरी फेसेस एंड एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं जो फिजिकल ब्यूटी के अंतर्गत आती हैं। फिर लिखना है डिक्रीजेज एज द टाइम पासिस, ऑन द अदर हैंड लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल इज एवर लास्टिंग, हैंस स्पिरिचुअल ब्यूटी इज फार मोर वेल्युएबल एंड स्टेबल देन द फिजिकल ब्यूटी। इतना आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, 7 मार्क्स के लिए आप तैयार रहिए, आपको 7 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, एक ग्रुप में फ्री है, एक वीडियो पहले अपलोड किया हूँ, दूसरा ये आ रहा है, करीबन अभी 2 ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं, केवल 2 ही और आएगा, और इन्हीं 4 वीडियो में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 7 मार्क्स आपके गारंटेड हो जाएंगे। लेकिन इतना पूरा आपको लिखना, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना, और यही वाला जो चीज़ है ऊपर वाला इसको भी ज़रूर लिखना है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए अब इसका अर्थ एक वैसे बता दूं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, अब तो रिवीजन का टाइम है तो मैं ज़्यादा अर्थ पे फोकस नहीं करूँगा, वैसे बता दूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसमें थॉमस केरू जी बता रहे हैं ट्रू ब्यूटी में वास्तविक सुंदरता चैप्टर का नाम ही है, तो उन्होंने डिफरेंस किया है, अंतर बताया है फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक सुंदरता होती है और स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, एक स्पिरिचुअल जो व्यक्ति के अंतर आत्मा से जागृत होती है उस प्रकार की ब्यूटी के बीच में अंतर किया है। तो फिजिकल ब्यूटी में आपको पता है कि क्या क्या आता है, रोजी चिक्स होते हैं, गुलाबी ओंठ हो गए, शानदार आपके जो फेस हैं, ये सब चीज़ें आती हैं ये फिजिकल ब्यूटी के अंदर। स्टार लाइक आइज, आपके प्रेमिका के जो स्टार लाइक साइज मतलब सितारे जैसी आंखें हैं, ये सब चीज़ें फिजिकल ब्यूटी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखिए फिजिकल ब्यूटी आपको पता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपके लवर और आप जो भी हैं आपका जो है डिक्रीज होने लगता है, फेसेस के ग्लोरी वगैरह सब चले जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके जो सब शान हैं वो सब बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो अंतर आत्मा से जागृत हुई ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो जेंटलनेस के कारण आती है, क्योंकि वो सज्जनता के कारण आती है, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क की स्वस्थता के कारण आती है, क्योंकि आपके वो दिल के कारण आती है, दिल से उत्पन्न होती है, एक स्वच्छ दिल के कारण उत्पन्न होती है, एक अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, इसलिए वो ज़िंदगी में कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन आपकी ये जो फिजिकल ब्यूटी है ये जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे समाप्त होती जाती है। और लेखक ये भी कह रहे हैं, थॉमस केरू सर कह रहे हैं कि मैं फिजिकल ब्यूटी जैसी ब्यूटी से घृणा करता हूँ, उनको स्पिरिचुअल ब्यूटी बहुत अच्छा लगता है, फिजिकल ब्यूटी नहीं अच्छा लगता है। तो यही इस पूरे सेंट्रल आइडिया में लिखना है, और एक रूप में मैंने पूरा सारांश आपके चैप्टर का बता दिया हूँ। तो अब यदि एक्सप्लेनेशन में आता है तो मैंने जो बोला है ये सब कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, जिससे मुझे सजेशन मिल सके मैं नई नई वीडियो लाता रहूँ। आने वाले दिनों में मैं YouTube पे नए नए चीज़ आपको देता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सैनिक आप जय हिंद वंदे मातरम।